अवधान की विशेषताएं। ये मैं फोटो जो आपके सामने मैंने लगाया, इमेज लगाई है, ये इस टॉपिक की सेंट्रल पॉइंट है, सेंट्रल आइडिया है, उसको ये फोटो पूर्ण रूप से रिप्रेजेंट कर रही है। अवधान क्या होता है, तो आप इस फोटो के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से इस अवधान को अच्छे से आप समझ सकते हैं और अपने मस्तिष्क में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस चित्र के बाद आपको अवधान या ध्यान के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत। अर्थ मैं आपको बता चुका हूं, संवेदी या मनोवैज्ञानिक इनपुट के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रिया के लिए संज्ञानात्मक संसाधनों को इकट्ठा करने में लगने वाले श्रम को अवधान कहा जाता है, या साधारण शब्दों में कह सकते हैं, बाहरी या आंतरिक उद्दीपकों के लिए स्वैच्छिक या अनैच्छिक रूप से ध्यान देने की प्रक्रिया। सो दीज आर फ्यू डेफिनेशंस व्हिच आई एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक समूह से दूसरे की अपेक्षा कुछ उद्दीपकों को ही चुना जाता है को आमतौर पर अवधान कहा जाता है। ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति के संज्ञानात्मक संसाधन पर्यावरण के कुछ विशिष्ट पहलुओं पर ही केंद्रित होते हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया करने की तत्परता की स्थिति में होता है। ये डेफिनेशन दी है एपीए ने। अगर इन दोनों डेफिनेशन को हम ध्यान से पढ़ के इनके बीच से इनके मुख्य बिंदु को अगर हम निकाले तो वो दो लाइन में इस प्रकार से आता है। संक्षेप में, किसी विशिष्ट उद्दीपक के प्रति केंद्रित जागरूकता की स्थिति को अवधान कहा जाता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अटेंशन। अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा विषय है, अवधान की कुछ विशेषताएं। अवधान संज्ञान का घटक होता है, यू नो दिस पॉइंट। योर अटेंशन इज द कंपोनेंट ऑफ योर कॉग्निशन। जो थिंकिंग पैटर्न है, जो आपका परसेप्शन है, मेमोरी, ये सारी चीजें जहां पर घटित होती हैं उस क्षेत्र को हम कॉग्निशन या संज्ञान कहते हैं, और अटेंशन भी की घटना भी वहीं पर घटित होती है, कॉग्निशन में ही। लेकिन कुछ मनशास्त्री अवधान को संज्ञान से पूर्व होने वाली घटना, प्रक्रिया या अवस्था भी मानते हैं। वो ये कहते हैं किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं उसके बाद ही हमारे अंदर कॉग्निटिव प्रोसेसिंग शुरू होती है। कमोबेश आप इतना जान लें कि अटेंशन इज द कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन इज ए सिलेक्टिव प्रोसेस। बहुत सारे उद्दीपकों में से किसी एक उद्दीपक पर अपना ध्यान हम केंद्रित करते हैं। हुआ क्या कि बहुत सारे, जितने सारे उद्दीपक थे उनमें से हमने एक उद्दीपक का चयन किया है जिसको हम अवधान या अटेंशन कहते हैं। दूसरी बात, प्रत्यक्षण अवधान का ही परिणाम होता है। अर्थात अगर आपने किसी वस्तु, घटना, इवेंट, स्थिति पर ध्यान नहीं लगाया तो आपको परसेप्शन नहीं होगा, प्रत्यक्षण नहीं होगा। आपके साथ कई बार ऐसी घटना घटती है, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप किताब में देख रहे होते हैं, किताब में एक लाइन आप पढ़ लेते हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं, तब आपको जाकर ये याद आता है कि मैंने तो जो अभी पढ़ा कुछ समझ में ही नहीं आया। या तो आप दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो आपको ऐसा होता है कि आपको उस वाक्य को समझने के लिए कई बार उसे पढ़ना पड़ता है, और वो आपको तभी समझ में आता है जब पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन आप उस वाक्य को देते हैं, और तभी समझ में आने का मतलब यह है कि आप उसका प्रत्यक्षण कर पाते हैं। अवधान लक्ष्य निर्देशित या उद्दीपक प्रेरित हो सकता है। लक्ष्य निर्देशित, आपका कोई लक्ष्य है, आप उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। जब आप उस लक्ष्य पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो आप तब तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक आप अपना ध्यान और अटेंशन पूर्ण रूप से उस पर फोकस नहीं कर लेंगे। और उद्दीपक प्रेरित चिमले ही है, वो व्यक्ति को मोटिवेट करता है ध्यान लगाने के लिए। ये बड़ी अजीब सी बात है। ध्यान, आप कहोगे कि सर आपने तो प्रश्न किया कि अवधान संज्ञानात्मक प्रक्रिया है,
हमारे कॉग्निशन का एक प्रोसेस है। फिर दूसरा व्यक्ति, दूसरी वस्तु जो हमारे शरीर से बाहर है, वो किस प्रकार हमें प्रेरित कर सकती है किसी पर ध्यान लगाने के लिए। बिल्कुल ऐसा होता है। आपकी इंद्रियां उद्दीपक का साथ देती है। कैसे? आप बैठे हैं, बड़े सावधानी पूर्वक ध्यान से आप पढ़ रहे हैं, अभी एक भ्रम से आवाज बाहर होती है, आपका ध्यान स्वचालित रूप से उस आवाज की तरफ लग जाएगा और इस बीच मैंने क्या बोला है वो आपके संज्ञान में नहीं आएगा। देखिए, अब उस उद्दीपक ने आपके अवधान को या ध्यान को अपने तरफ आकर्षित कर लिया, प्रेरित कर दिया और आप उस तरफ ध्यान लगा बैठे। बाहर के उद्दीपक आपको प्रेरित कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं और अपनी तरफ आपके ध्यान को आकर्षित करने की। कितनी कमाल की बात है कि हम बाहर की चीजों से मोटिवेटेड होते हैं, प्रेरित होते हैं। संवेदी या मानसिक घटनाओं पर एकाग्रता अवधान के लिए पूर्व शर्त होती है। एकाग्रता का मतलब आपके कॉग्निटिव रिसोर्सेज को आप एक साथ इकट्ठा करके एक चीज पर फोकस करें। नेक्स्ट, अवधान एक गतिशील और मोबाइल मानसिक प्रक्रिया होती है। मोबाइल का मतलब जिसके अंदर मूवमेंट हो, मोबिलिटी हो, गतिशील, हर समय जिसमें गति हो, हवा में हर समय गति है, आपके व्यवहार में, आपके शरीर के विकास में हर समय गति है, हर पल गति है, नदी में हर पल गति होती है, इसी प्रकार अवधान भी गतिशील है। कुछ पलों के लिए आप किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, उसके बाद नहीं, फिर गति आ जाएगी उसमें, क्योंकि आपका जो चित्त, हमारा चित्त इतना चंचल है, इतना डायनेमिक है वो, कि हम एक वस्तु पर बहुत लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाते। मोबाइल मानसिक प्रक्रिया जिसके अंदर मोबिलिटी हो, जिसके अंदर मूवमेंट हो, तो अवधान इस प्रकार की एक प्रक्रिया होती है। यह सभी या कोई नहीं, यह बड़ा काम का सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर काम करता है अवधान। इसका मतलब क्या है? ऑल और जनरली ये सिद्धांत हमारे न्यूरॉन्स के लिए इस्तेमाल होता है। न्यूरॉन्स की एक घटना आपको बताता हूं कि जैसे ही कोई उद्दीपक आपकी इंद्रियों के माध्यम से वो न्यूरल इंपल्स में जब कन्वर्ट होता है तो पर्टिकुलर नर्व के माध्यम से जब वो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचता है तो वो जो तंत्रिका है, वो न्यूरोन है, वो कब एक्टिवेट होता है? न्यूरोन आधा अधूरा एक्टिवेट नहीं होता है, वो या तो एक्टिवेट होगा या नहीं होगा। जैसे कि आप स्कूटी स्टार्ट करते हो तो ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी स्कूटी स्टार्ट होगी बाकी रह गई। स्कूटी या तो स्टार्ट होगी या नहीं होगी। इसी को हम बोलते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल, सभी या कोई नहीं। तो अवधान भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। या तो आपका ध्यान लगेगा या बिल्कुल नहीं लगेगा। ध्यान लगने का मतलब है या तो उस चीज को आप, जिस पर आप ध्यान लगाना चाहते हो, वो आपके संज्ञान में आएगी या नहीं आएगी। याद रखें, थोड़ी बहुत आएगी, जो कि फ्रिंज की बात में जब कर रहा था, जो स्पॉटलाइट मॉडल इस बात को एक्सप्लेन करता है, तो कुछ उद्दीपक आपके अवधान में, आपके संज्ञान में चले जाएंगे, क्योंकि फ्रिंज है, वो फ्रिंज पर है, किनारे किनारे पर है वो, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक वो आपके संज्ञान में नहीं रहेगी। दिस मीन्स योर अटेंशन वर्क्स ऑन दी ऑल और नन प्रिंसिपल। उद्दीपक की विशेषताओं के आधार पर अवधान एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक की ओर स्थानांतरित होता रहता है। ये क्या बात है? इसका एग्जांपल आपको देता हूं, पढ़ाई से। जैसे ही मेरी स्क्रीन पर कुछ शब्द लिखे हुए, मैं इनको पढ़ रहा हूं या आप पढ़ रहे हैं, एक शब्द को पढ़ रहे हैं मोबाइल, उसके बाद हमने अगला शब्द पढ़ा मानसिक, तो इसमें क्या होता है, हम कंटिन्यू नहीं चलते हैं, हमारा जो प्रोटेक्शन है वो जंप करता चलता है। ऐसे मोबाइल से जंप किया, उसने मानसिक पे पहुंचा, मानसिक से प्रक्रिया, प्रक्रिया से होती, इस तरह से वो जंप करता हुआ चलता है, तब हम उस शब्द को पढ़ पाते हैं लगातार। अवधान भी एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक की ओर लगातार स्थानांतरित होता रहता है। आप ध्यान लगा रहे हैं, यहां पर तुरंत दूसरे उद्दीपक पर ट्रांसफर हो गया, तीसरे पर, चौथे पर, इस तरह से ये लगातार ट्रांसफर होता रहता है। ऐसा क्यों होता है वो मैं पांचवें पॉइंट में बता चुका हूं, क्योंकि अवधान एक गतिशील और मोबाइल मानसिक प्रक्रिया होती है।
अवधान व्यक्ति की मानसिक स्थिति और अन्य मनोवैज्ञानिक चरों पर भी निर्भर करता है। मतलब आपकी जो मानसिक स्थिति है, मेंटल स्टेट है, और दूसरे आपके मनशास्त्रीय जो वेरिएबल्स हैं उन पर भी निर्भर करता है। ये कैसे है? आप किसी वस्तु पर तब तक आप ध्यान नहीं लगा पाओगे जब तक आप कहोगे कि आपका मूड नहीं होता है, आप अभी प्रेरित नहीं होते, आपकी रुचि नहीं होती। ध्यान रखें, जब तक आपकी मानसिक स्थिति, आपका कॉग्निटिव सिस्टम आपके साथ सपोर्ट में नहीं है, तब तक आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। यही कारण है कि जो बच्चे मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति इतनी सक्षम नहीं होती है कि पढ़ाई के लिए जितनी मानसिक स्थिति की आवश्यकता हो, ध्यान नहीं लगा पाते हैं, उनके संज्ञान में वो चीजें नहीं आ पाती है, फिर उनको पढ़ाने के लिए, उनको समझाने के लिए दूसरी चीजों का सहारा लेने की आवश्यकता हमें पड़ती है। अवधान एक ऐसी व्यक्ति परक और अमूर्त घटना होती है। अमूर्त होता है एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम अपने पांचों इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं, जिसके परिणाम वस्तुनिष्ठ होते हैं। ये कमाल का सेंटेंस है कि अवधान सब्जेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट घटना है, लेकिन उसके परिणाम क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव आते हैं। ये कैसे हो सकता है? सपोज कीजिए, अभी आप यहाँ बैठे हुए, मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि भारत की राजधानी का नाम बताइए। आपने इस वाक्य को सुना ये, और कुछ बच्चों ने नहीं सुना जिनका ध्यान नहीं था। जिन लोगों ने सुना है, किसी ने किसी तरह से, किसी ने किसी तरह से अपने अपने संज्ञानात्मक क्षेत्र में इसको प्रोसेस किया है, लेकिन उसका जो परिणाम आया आप सभी बताएंगे, जिनों जिन्होंने सुना है, नई दिल्ली। जो रिजल्ट है वो नई दिल्ली, वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो घटना हुई, किसी ने कम सुना, किसी ने अच्छे से नहीं सुन पाया, कोई तेजी सुन पाया, किसी ने आधी बात सुनी, उसी से उसने अंदाजा लगाया। ये सारा क्या है कि अटेंशन इज ए सब्जेक्टिव एज वेल एज एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना, बट द रिजल्ट्स आर ऑब्जेक्टिव। अवधान प्रक्रिया जागरूकता से, निकटता से संबंधित होती है। बहुत सारे बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं और उनकी माताएं उनके मुंह में उनके खाना खिलाती रहती है, क्योंकि और खाना खाने का कोई तरीका ही नहीं है, वो खाना नहीं खाना चाहते हैं, तो माताएं क्या करती है, मोबाइल दे देंगी, वो गेम खेलता रहेगा और माँ उसके मुंह में ठूसती रहेगी। उस बच्चे को उस भोजन का कोई टेस्ट नहीं आता, क्योंकि जो टेस्ट बड्स है, टेस्ट को वो अपने मस्तिष्क में तो भेज रहे हैं, लेकिन मस्तिष्क में कॉग्निटिव डोमेन में उसका प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, प्रसंस्करण नहीं हो रहा है, उसके संज्ञान में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका अवधान उस मोबाइल पर फोकस है, भोजन के बारे में उसको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि अवधान की प्रक्रिया जागरूकता से निकटतम संबंधित होती है। उद्दीपक की प्रकृति के आधार पर अवधान आकर्षित करने वाला या प्रतिकारक भी हो सकता है। उद्दीपक की प्रकृति कैसी है, उसके आधार पर आपका अवधान अट्रैक्टिव, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं या वो रिपल्सिव भी हो सकता है, राइट? अगर उद्दीपक अट्रैक्टिव है तो आपका ध्यान तुरंत लग जाएगा, लेकिन वहीं पर अगर उद्दीप रिपल्सिव है, आकर्षित नहीं कर सकता आपको, कुछ पल के लिए तो आपका अवधान उस पर लगेगा ही लगेगा, तभी तो आपको पता चल पाएगा कि वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। इसीलिए कहते हैं कि द नेचर ऑफ स्टिमुलस इंपॉर्टेंट फॉर अटेंशन। ये मैंने एक सामने एक पिक्चर लगा रखी है, अटेंशन स्टे एट होम एल्स फेस मी, ये कोरोना कह रहा है, आप और हम लोग घर पे रहे नहीं तो क्या होगा, हमें कोरोना का सामना करना पड़ेगा। रुचि अवधान के प्रमुख निर्णायक कारकों में से एक कारक होता है। इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपका इंटरेस्ट है जिस चीज में, तो चाहे उस उद्दीपक की इंटेंसिटी कितनी कम हो, अगर आपको 52 गज का घाघरा वाला गाना सुनना है, तो चाहे वो 5 किलोमीटर बज रहा हो और बहुत धीमे धीमे आवाज आ रही हो, तो भी आप उस पर झूम उठेंगे। और अगर आपको नहीं पढ़ना है, तो माता पिता और टीचर्स कितना भी कह ले, आप अवधान नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसमें आपकी रुचि नहीं है। इसकी अवधि लक्ष्यों की पूर्ति तक ही सीमित होती है। मैंने आपको बताया था कि अवधान गोल डायरेक्टेड होता है, जैसे ही आपको अपना लक्ष्य मिल गया, आपका अवधान वहां से हट जाएगा। बहुत तेज भूख लगी है, आपका ध्यान आपकी भूख पर है,
आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करोगे, यू विल सर्च फॉर द फूड इन द किचन, आपको कुछ मिल गया खाने का, आपने उसको खाया और जैसे ही आपकी भूख मिटी, गोल कंप्लीट हो गया, लक्ष्य आपका संपूर्ण हुआ, इमीडिएटली आपका ध्यान वहां से हट जाएगा। इसको बोलते हैं कि अवधान लक्ष्य की पूर्ति तक ही सीमित होता है। इसकी प्रकृति गतिशील होती है जिसमें मोटर समायोजन की आवश्यकता होती है। ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि अवधान का जो नेचर है इट्स डायनेमिक, लेकिन इसमें मोटर एडजस्टमेंट की भी जरूरत होती है। मोटर एडजस्टमेंट का मतलब होता है, मोटर का मतलब है मूवमेंट, एडजस्टमेंट समायोजन। मोटर एडजस्टमेंट, अब आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, आपके दरवाजे पर बाहर खटखट होती है, आप सिर घुमा के देखेंगे तभी आप उस पर ध्यान लगा पाएंगे, क्योंकि सिर आपने घुमाया तो इसको बोलते हैं मोटर एडजस्टमेंट। आपने सिर को मोटर की तरह घुमाकर उसको एडजस्ट किया। फिर आपको कहा जाता है कि आप ध्यान लगाइए, तो आप ज्ञान मुद्रा में बैठकर आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करना, पलकें बंद कर लेना एक मोटर एडजस्टमेंट है। यानी कि जब भी हम किसी वस्तु पर, उद्दीपक पर, स्थिति पर, इवेंट पर, घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उस समय हमें मोटर एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है। अवधान उद्देश्यपूर्ण होता है जो मनोजैविक आवश्यकताओं द्वारा निर्देशित होता है। योर अटेंशन इज डायरेक्टेड बाय साइकोबायोलॉजिकल नीड्स। इसमें मनोजैविक है, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल दोनों आवश्यकताओं के आधार पर ही आपका अवधान निर्देशित होता है। अवधान के तीन प्रमुख घटक होते हैं, वो कौन कौन से हैं? कॉग्निटिव, कॉनेटिव और अफेक्टिव। ये ACC है। कॉग्निटिव का संज्ञानात्मक, कॉनेटिव का मतलब होता है इच्छा शक्ति संबंधी, और भावात्मक इमोशनल एस्पेक्ट भी इसमें जुड़ा होता है। जब भी आप किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उस वस्तु से आप इमोशनल रूप से भी जुड़ जाते हैं। कैसे? कोई चीज आपको अच्छी लगती है तो आप उसकी तरह अट्रैक्ट हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। कोई बुरी लगती है तो डिस्कस्ट, आप घृणा हो जाएगी उससे। तो ये भी क्या है? अफेक्टिव कंपोनेंट। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे। ये मेरे रेफरेंसेस, और जो आगामी हमारा जो लेक्चर होगा, वीडियो होगी, वो होगी आपकी अवधान के प्रकार, टाइप ऑफ अटेंशन। दैट वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। और मेरी सलाह और मेरा एडवाइस, कृपया घर पर ही रहे, बाहर ना निकले, क्योंकि अगर बाहर निकले तो कोरोना आपको पकड़ सकता है, आपको जकड़ सकता है और फिर आपकी हालत खराब हो सकती है, आपके साथ साथ में आपके परिवार की भी हालत खराब हो सकती है। उस चीज से आप बच कर रहे, क्योंकि बचाव में ही बचाव है। अब टॉपिक से संबंधित किसी का कोई प्रश्न? सर, आप कह रहे थे कि भाई हम उद्दीपक पर पूरा ध्यान देते हैं, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे, तो ये फिर हुआ। अवधान ऑल और नन सिद्धांत पर काम करता है, सभी या तो कुछ नहीं। ज्यादातर विद्यार्थियों की एक समस्या होती है कि वही बात, क्यों कहते हैं कि हम पढ़ते खूब, याद नहीं होता। कारण क्या होता है कि वो पूर्ण रूप से अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाते। जब आप संपूर्णता में किसी चीज पर आप ध्यान लगाते हैं तो वो चीज आपको तुरंत आपके संज्ञान में आ जाती है, उसका अर्थ आप समझ जाते हैं, उसको आप याद करते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है गाने, म्यूजिक। आप देखिए, कोई नया गाना आएगा, उसको केवल आप एक बार सुनते हैं, उसके एक एक लिरिक्स को, एक एक शब्द को आप आपके ध्यान में ले लेते हैं। अब ये सब, इवन उस गाने पर जो डांस किया गया है, जो डांस करने वाले व्यक्ति ने किस प्रकार से अपना मूवमेंट किया है, उस पर हम तुरंत उसको पकड़ लेते हैं, उसी तरह से हम डांस करना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय हम उस उद्दीपक पर आधा अधूरा अवधान नहीं लगाते, हम संपूर्णता में ध्यान लगाते। और यही बात आपकी यहां पर है, पढ़ाई में हम पढ़ते हैं, हम संपूर्णता में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हम चाहे 10 बार पढ़ ले, इसलिए हमारे संज्ञान में बात नहीं आ पाती। स्पॉटलाइट मॉडल ये एक्सप्लेन करता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, कि जिस प्रकार से हम टॉर्च डालते हैं किसी उद्दीपक पर, किसी वस्तु पर, तो वस्तु के चमकने के साथ साथ उसके आसपास के में जो भी चीजें हैं वो भी हल्की हल्की धुंधली धुंधली चमकती है। सेम बात आपके अवधान के लिए होती है। जब हम किसी एक चीज पर ध्यान लगा रहे होते हैं, उस चीज को तो हम पूर्ण रूप से संज्ञान में ले लेते हैं,
लेकिन आसपास का जो एरिया है वो उस चीजों पर भी हमारा थोड़ा थोड़ा ध्यान लगा होता है, जो कि उसके उद्दीपक से निकलने वाले जो चिन्ह है, सिग्नल्स है, वो भी हमारे मस्तिष्क में ट्रेवल करते हैं, लेकिन उनको हम याद नहीं रख पाते हैं क्योंकि वो हमारे संज्ञान में आ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अवधान से संबंधित जितने भी कॉग्निटिव रिसोर्सेज होते हैं वो एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं और उस चीज को हम याद नहीं रख पाते हैं। यही कारण है कि हमें पढ़ाई भी इसलिए नहीं होती है। एनी मोर क्वेश्चन? जो अभी आपने करेक्टरिस्टिक बताई थी उसका चौथा पॉइंट सर। चौथा पॉइंट आप बताओ, पॉइंट याद है आपको? चौथा पॉइंट ये कहता है कि संवेदी या मानसिक घटनाओं पर एकाग्रता अवधान के लिए पूर्व शर्त होती है। पूर्व शर्त का मतलब क्या है? आपको बीए डिग्री लेने के लिए एक पूर्व शर्त है, वो शर्त है कॉलेज में एडमिशन लेना या कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, एक पूर्व शर्त है। चाहे आप रेगुलर लो, प्राइवेट या डिस्टेंस से करो, एडमिशन लेना ही पड़ेगा। एडमिशन लेना एक पूर्व शर्त होती है, प्री कंडीशन। इसी प्रकार किसी वस्तु पर अगर हम अवधान या अपना ध्यान लगाते हैं तो उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, एकाग्रता, हमें कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा। आप डेली भोजन करते हैं, भोजन करते वक्त हमारा ध्यान इधर से उधर शिफ्ट होता रहता है। जब हमारा ध्यान हमारे भोजन पर होता है, उसी क्षण हमें उस भोजन का स्वाद आता है, और अगले क्षण जब हमारा ध्यान कहीं और शिफ्ट हो जाता है तो हमें भोजन का स्वाद नहीं आता है। फिर आप फोकस रहे तो हमें पता चलता रहता है। आपका मस्तिष्क, मैंने आपको बताया था कि जगह को खाली नहीं छोड़ता है, पहले लिए गए स्वाद के अनुसार ही मस्तिष्क ये मान लेता है कि दूसरे कोर में भी आपको वैसा ही स्वाद आ रहा होगा। मस्तिष्क ये मान लेता है कि आ रहा होगा, ये जरूरी नहीं है कि आपको वैसा ही स्वाद आ रहा है। अर्थात अवधान के लिए एकाग्रता का होना जरूरी है। राइट? एनी मोर क्वेश्चन? नो सर, ओके, देन वी एंड आवर टुडे सेशन। फिर भी कोई प्रश्न रहता है तो कल हम 4 बजे फिर मिलेंगे एंड विल डिस्कस आवर पॉइंट्स वंस अगेन। तब तक के लिए बाय बाय। अटेंडेंस सर। हाँ, अटेंडेंस के लिए आप अपना पूरा नाम और रोल नंबर चेक बॉक्स में, यहां पर आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है।